आदरणीय मानक जी आपके सीधे से सवाल का मैं भी सीधा सा जवाब दे देती हूँ। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं राम भी है और कहीं ना कहीं रावण भी। रावण का क्या मतलब? रावण अहंकारी, आताताई और अत्याचारी था, जिसका पुतला हम आज भी जलाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति या संगठन जब आताताई हो जाए, जब अमर्यादित हो जाए, उनका कार्यशैली कहीं ना कहीं गलत तरीके से चलने लगे, जब अहंकारी हो जाए, तो अगर उन्हें रावण कह दिया तो क्या गलत कह दिया? राम तो हो नहीं सकते वो। जो अब मैं सीधी बात ये कहूंगी कि ये कह रहे हैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि खड़गे जी का जो कहना है वो नीच काम है। अरे, ये कहना नीच काम है, लेकिन एक महिला सांसद की तुलना संसद भवन में सुपर्णिका और ताड़का से कर देना ये ऊंच काम है। एक मात्र शक्ति को जर्सी का कह देना ऊंच काम है। एक महिला शक्ति को कहीं ना कहीं कांग्रेस की विधवा बता देना ये ऊंच काम है। एक महिला शक्ति को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा कह देना ये ऊंच काम हो गया। तो मैं ये तो सवाल मैं तो खुद स्वयं आदरणीय राजनाथ सिंह जी पर भी उठाना चाहती हूँ कि उन्होंने किस मानसिकता के तहत नीच काम किया है। देखिए, आपने मेरे सवाल का जवाब 2-4 लाइन में दिया, उसके बाद आप फिर पुराने बयान बीजेपी और बीजेपी नेताओं के गिनाने लगी। मेरा सवाल ये है कि अगर बीजेपी नेताओं के बयान गलत हैं तो कांग्रेस नेताओं के बयान भी गलत हैं। खड़गे साहब को यह बहस शुरू करने की जरूरत ही क्या थी? कह दीजिए ना, खड़गे साहब ने गलत कह दिया, उसी तरह बीजेपी के नेताओं ने भी गलत कह दिया। मैंने तो पहली लाइन में कहा ना क्या गलत था, आप मुझे बताइए। अब बताइए, अब अगर प्रधानमंत्री को रावण कहने के बयान को आप सही बताएंगे तो कैसे होगा? नहीं नहीं, हमने कहा नहीं, हमने तो पूछा है कि क्या वो 100 सिरों वाले, 10 सिरों वाले दशानंद की तरह जो जिनके अहंकारी कार्य चलिए। मैं तो हमेशा कहती हूँ ना आदरणीय मानक जी, और ये सच्चाई है कि जब जब स्वार्थी अहमवादी और कुटिल व्यक्तित्व रखने वाले लोग किसी समाज या किसी देश में अपना प्रभुत्व कायम करने के मद में चूर होकर विवेक शून्य हो जाते हैं, तब तक जनता का संतोष उभरता है और तब तक जनता का संतोष उनके झूठे मुखौटों को नोचता है, उनकी कतनी और करनी का पर्दाफाश करता है। तो जनता को तय करने दीजिए ना कौन कैसा काम कर रहा है। सुनिए, माफी वीर सावरकर से कराते हो। साधना एक सेकंड, अब देखिए आप, साधना वन सेकंड, एक सेकंड रुक जाइए, रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए जी। देखिए, मैं तो हमारे मेरे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर बैठे हैं जी, संजीव हैं, विनोद जी हैं, अक्कू श्रीवास्तव हैं, 30-30, 40-40, 50-50 साल का सबका एक्सपीरियंस है, मुझे भी 25 साल से ज्यादा हो गया जी। हर चुनाव में यही होता है, कोई भी एक नेता दूसरी पार्टी के बड़े नेता पर इस तरह की निजी टिप्पणी कर देता है और उसके बाद इस तरह के बयानों की बाढ़ आ जाती है। पिछले 8-10-15-20 साल में किसने किसको क्या कहा, चुनाव प्रचार में गंदगी आ जाती है। मैं इसे गंदगी, कूड़ा, इस तरह के बयानों को मैं कूड़ा गंदगी कहता हूं। लोगों को इन सबसे कोई मतलब नहीं है। खड़गे जी को यह बहस शुरू करने की जरूरत ही क्या थी? और अगर थी तो कुछ और शब्दों का चयन कर सकते थे, कुछ और कह देते। रावण से तुलना, आपको पता है ना हिंदू धर्म में रावण क्या माना जाता है। मैं तो आपसे कह रही हूँ ना, मैं तो यही कह रही हूँ, तो भाजपा को भी सोचना तो चाहिए। अभी तो राजनाथ सिंह जी ने जो टिप्पणी की, क्या वो भी आपको सही लगती है? कौन सी मानसिकता के तहत उन्होंने कहा कि नीच काम है? ये नीच काम बोलना और एक दलित वर्ग के बेटे के लिए ये कह देना कि इन्होंने तो जो कहा है वो नीच काम है, तो इसको हम भी गलत तरीके से ले जा सकते हैं ना। तो ये बात मैं स्पष्ट तरीके से ही कह रही हूँ। आप कह रहे हैं कि इनसे कोई जनता को लेना देना नहीं है। अरे, जिससे जनता को लेना देना है उसी में कौन से भाजपा ने तीर मार दी है। ओके, ऑलराइट, अक्कू श्रीवास्तव,